वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हम डिस्कशन कर लेंगे, जैसे आयशा ने हमें ओबेसिटी के हवाले से और वेट लॉस के हवाले से बताया, आज हम योगा और हमारे पास सर्जन भी मौजूद होंगे, आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से ओबेसिटी कम करी और ओबेसिटी रिलेटेड जो बीमारियां हैं, अब यानी कि मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, ये हम आपको बार बार कहते हैं, तो फिट रहने के लिए, ओबेसिटी को दूर भगाने के लिए और इसके रिलेटेड जो बीमारियां हैं इनको किस तरह से अवॉइड किया जाए, इस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी सलाफे नकवी। वेलकम टू द शो सलाफे, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सलाफे। आज फिर हम डिस्कशन करेंगे कि जनाब वेट लॉस, ओबेसिटी किस तरह से अपनी कंट्रोल करनी है आपने, और इसके साथ साथ जनाब हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। अगर आप योगा के मतलब कुछ जानना चाहते हैं या डॉक्टर साहब से कोई बात करना चाहेंगे, वो भी हम आपकी मुलाकात इस तरह से कराएंगे कि आप कॉल्स के जरिए उनसे बात कर सकेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सलाफे उसको एड्रेस करेंगे। सलाफे आजकल हम ओबेसिटी की बात करते हैं, ओबेसिटी फैट जो आपके बॉडी पे इतना ज्यादा लग जाता है, बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों में बहुत ज्यादा है, और डेफिनेटली योगा एक अच्छा तरीका है फिट रहने का भी, हेल्थी रहने का, जो हर एज ग्रुप के लिए exactly. है। तो बच्चों से लेकर हम शुरू करते हैं, ओबीस जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या टिप्स आप दोगे, उसके बाद फर्दर? इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी को अगर वैसे भी देखा जाए तो डिफाइन तो ऑब्वियसली हम अच्छे से कर चुके हैं इसको, काफी शोज करके। बच्चों में ओबेसिटी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह आती है हमारा लाइफस्टाइल और उनकी डाइट, जिस तरह हम बार बार रिपीट कर चुके हैं चीज़ को कि 70% डाइट और 30% आपका वर्कआउट है, तो अब फिजिकल एक्टिविटी तो इतनी नहीं है और जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी ज़रा थोड़ी सी खराब है, हम उनको कह सकते हैं। लेकिन अगर उनको कुछ भी, मैं सिर्फ सिंपल एक टिप देती होती हूँ बच्चों के लिए भी कि कोई बात नहीं, अगर उनका आपने टेस्ट बड जब डेवलप करा ही दिए हैं अगर जंक फूड से जो भी, तो उनको सब कुछ खिलाएं लेकिन बैलेंस में रहना सिखाएं उनको, आप कुछ भी खा रहे हो तो बैलेंस में रहकर खाओ। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी तकरीबन आपकी वीक में, रिसर्च कहती है कि 5 डेज होते हैं, उसमें आपने वीक में 5 डेज के अंदर 30 मिनट्स आपने रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर बच्चा एक्सरसाइज इस तरह से शुरू नहीं कर रहा या कुछ भी, तो आप उसको गेम बनाकर किसी चीज को आप उसको शुरू कराएं। हम जंपिंग जैक्स कहते हैं, हम उसका कंपटीशन बच्चों को करवाते होते थे क्लब में, वो था, या उनको कह दो कि साइकिलिंग करना शुरू कर दें। अब हम कुछ चीजें बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हुए हम उनको जैसे कहते हैं एंड पर लालच दे रहे थे, हम तुम्हें ये मिलेगा, मैं कहती हूँ एक्सरसाइज वाली चीज पर कह दें कि अगर तुम इतनी साइकिल चलाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो ये होता है कि उसको मोटिवेशन मिलेगी इस चीज में। और योगा की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे आसान चीज़ यह है कि योगा इजी हो जाता है, अगर आप बच्चों को कराना शुरू करें योगा तो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगी और फिर उनकी बॉडी टोनिंग और उसका इशू आगे जाकर नहीं होगा। अब बीमारियां अगर देखा जाए तो ओबेसिटी से तो लिंक कर दी, मैं कहती हूँ ये है ही रूट कॉज ही ओबेसिटी होता है ज़्यादातर बीमारियों की, इवन कैंसर की भी कुछ फॉर्म्स हैं जो ओबेसिटी की वजह से होती हैं। अब हार्ट डिजीज़ हैं या डायबिटीज़ आप ले लो, तो इस सब का क्योर कहा जाता है कि योगा में है। तो आज एक वैसे मैं बताऊंगी भी, अभी सन सल्यूट हम बताएंगे जो कोई भी कर सकता है और उसमें तमाम आसन उसके आ जाते हैं, तकरीबन आपको 2 मिनट उसको करने में लगते हैं और आपको स्पीड से करना होगा शुरू शुरू में, वो आप करोगे तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और क्योर भी होगा। क्योर भी होगा, ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलेज है जी परवीन मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उर्मिला तुम वैसी हो? मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा अच्छा, वो मैंने ये बात करनी थी कि मोटापे की वजह से तो बहुत सारी बीमारियां हैं, मोटापा तो खुद ही एक बीमारी है। बेशक बेशक, हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ इसमें ना जोड़ों का भी दर्द बहुत हो जाता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, फालिज, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां मोटापे की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ना जोड़ों के दर्द की एक्सरसाइज बता दे अगर कोई है। ठीक हो गया, अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग पर भी मसूद। जनाब हमारी बड़ी प्यारी सी कॉलेज है, अब तो हमारे रेगुलर कॉलेज हमें सना, मिसेस नवीद, परवीन मसूद याद आने शुरू हो गया, आवाज से पता लग जाता है, अगर सबके कान में आवाज ना भी आए ना कॉलर का नाम तो फौरन से आवाज सुन के पता लग जाता है। अच्छा सलाफे, इनकी एक्सरसाइज हम पहले कर लेते हैं, हम इस तरह चलते हैं और हम इनसे जान लेते हैं कि कौन सी जो जोड़ों के दर्द के हवाले से आप हमें एक्सरसाइज बताओगी ताकि उनके भी आज उसके बाद हम ओबेसिटी के लिए। अब पहले तो जाहिर है कि कॉलर का हक होता है कि सबसे पहले हम उनको आंसर करें, नो डाउट, हम तो बातें करते हैं। और दूसरा, अवेयरनेस माशाल्लाह इतनी है कि वो देखिए खुद से बता रही है, जो बातें हम भी नहीं कर रहे थे वो खुद बता रही है। अब ज्वाइंट पेन में सबसे पहले क्या होता है, आप अपनी लेग्स जितनी भी वाइड कर सकते हो इजिली आपने कर ली, आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्ट करना शुरू करना है अपने एक एक जॉइंट को। क्यों? ये ज्यादा इनको हमने एक्सरसाइज इस तरह से शुरू शुरू में नहीं करानी, बट जब बॉडी में स्ट्रेंथनिंग आ जाए उसके बाद
फिर की जा सकती है एक्सरसाइज। अब वॉल के साथ हमने जैसे स्क्वाट बताया था तो वो 90% नहीं होगा, आपका सिर्फ 70% होगा शुरू शुरू में, लेकिन आप वॉल के साथ करेंगे, आप सल्यूट कर सकते हैं या हाथ अपने सामने रख सकते हैं कि आपको सपोर्ट में हेल्प मिले। जॉइंट के लिए वॉल के साथ करेंगे जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, राइट, जिनको जॉइंट का प्रॉब्लम है या जो बिगिनर है। अब जॉइंट का इशू है तो सेम इसी तरह आप अपनी टोज को ट्विस्ट किया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज और अपने हाथों के, अब लोग कहते हैं कि हाथों का हम क्या करें कि यहाँ यहाँ हमें जब पेन हो रहा होता है, तो इसकी एक एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर जॉइंट का जिनको इशू है, अगर ये एक्सरसाइज वो तकरीबन 30 सेकेंड्स तक मुसलसल करते रहें, और इसको हम पम्प्स कहते हैं, नी पम्प्स, अगर आप इसी को इस तरह रोटेट करते रहो या पम्प करते रहो तो ये काफी फर्क पड़ता है जॉइंट पेन और अच्छा इतना अगर आपके जल्दी नहीं होता तो बिगिनर्स या जिनको ज्यादा मेजर इशू है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको आहिस्ता कर सकते हैं, स्टार्ट में इतनी ज्यादा एग्जर्शन पेन का रिलीफ भी साथ साथ हो जाए, बिकॉज कुछ लोगों को ट्रिगर कर जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है। और दूसरा, बैक स्ट्रेच ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने इनहेल करने के बाद एक्सहेल किया, सांस निकाला, पेट आपका खाली है, अब आप सांस लेना शुरू करें। अब आप इस पोजीशन में रहेंगे 1 मिनट, शुरू शुरू में आप 30 सेकेंड रहेंगे, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक आपने इसको बढ़ाया, और इस चीज को आप मत भूलें ये जो हम ये बता रहे हैं, और नी पंप्स ये चीज, और अपने हाथों को सामने रख के आप ये स्क्वीज करें और एक खोलें। ये कितने मिनट करना है सलाफे? ये तकरीबन आप 1 मिनट से स्टार्ट करें, 30 सेकेंड से हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, 2 मिनट तक 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। जब स्ट्रेंथनिंग आ जाए तो फिर स्क्वाट शुरू करें। अच्छा, ये जो वॉल के साथ स्क्वाट्स बताए थे, ये आपने इन एक्सरसाइजेस के बाद करनी जब आपको लगे आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है, आपने डायरेक्टली उसको नहीं करना, क्रैम से भी बचे, क्रैम से बचे। नेक्स्ट कॉलर जी नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नौरीन, क्या कहना चाहेंगी? मैंने ये पूछना था कि जो बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं और ये जंक फूड खाने से मोटे हो रहे हैं, मतलब वो मोटापा भी उनका ऐसा है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है, बच्चों में तो बच्चों में वो एक्टिवनेस नहीं रहती, ठीक है, तो इनके जंक फूड खाने की आदत किस तरह कम की जाए? अरे ठीक हो गया, थैंक यू सो मच कॉलिंग नौरीन। हम जरा कोशिश करते हैं कि ये आदत जो है ना ये आपने खत्म करानी है, किसी नहीं करा सकता, बच्चों को प्यार से समझाएं, डांट के समझाएं, कुछ अल्टरनेट पे लाएं। मारना का बिल्कुल मैं नहीं कह रही क्योंकि मार से बच्चे बिल्कुल ही बाज आते हैं, बल्कि वो और जिद पकड़ लेते हैं। सलाफी क्या बताएं? एक वैसे तो एक मिसाल कहा जाता है, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप उनका प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सामने उनके। पर एक जो पॉइंट हम बताते हैं, जब क्रेविंग हो किसी भी चीज की ये तो कर सकते हैं, अब बच्चा तो नहीं करेगा क्योंकि उसे जंक फूड चाहिए, इसे एवर्जन थेरेपी कहते हैं। एवर्जन थेरेपी मतलब किसी भी चीज से आप उसकी जो क्रेविंग है या कोई भी ऐसी चीज है उसे आप दिल खराब करवा दें। अब अजीब सी चीज है ये बात, हाय सलाफे, तो ऐसे प्रोग्राम या उस चीज की हकीकत बताएं। बता दूं, कोई नहीं दिल खराब फरूब होता, सारे लोग खाते रहते हैं, ऐसा हमने कितनी कितनी सोशल मीडिया पे चीजें देखी हैं, डीटो की तरह फिर चले जाते हैं। जब टेस्ट बट अगर डेवलप हो भी जाए तो आप उसको वो प्रोग्राम वो चीजें दिखाएं कि ये बनता किस तरह से। दूसरा नहीं, असल में ये सर्कल बहुत मैटर करता है आपका, ये सच है, लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते, सर्कल बहुत मैटर करता है। इवन मेरी फैमिली अगर 2-3 दिन मुझे एक्सरसाइज करते वो ना देखे ना, उनसे खुद पूछेंगे तुमने एक्सरसाइज नहीं की, कि उनको पता है कि ये मेरे लिए जरूरी है। तो सर्कल बहुत मैटर करता है, चाहे आपके वो फ्रेंड्स का हो, आप बच्चों के भी फ्रेंड्स होते, तो आप उनको कहें कि वो उनको सपोर्ट करें। दूसरा, ओबेसिटी को इतना ज्यादा वो शेम बना दिया है ना कि वो बच्चे जिद से कोई चीज फिर कर नहीं रहे होते, जिद से ही फिर खाते हैं, अपनी जिद पूरी करते हैं। बच्चों की ओबेसिटी के लिए हम एक्सरसाइज पूछते हैं, उससे पहले हम कॉलर ले लेते हैं, सना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उर्मिला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? उर्मिला, आज मेरे 2 सवाल हैं। बिल्कुल। अपने लिए, एक मेरी बेटी रामीन के लिए। ठीक हो गया। एक तो ये कि मेरी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मेरा पेट है, इनके के मुझे प्लीज पेट की एक्सरसाइज बता दें। ठीक हो गया, ठीक है। और दूसरा ये कि मेरी बेटी है 12 साल की रामीन, ठीक है, उर्मिला वो इतना खाती भी नहीं है लेकिन उसका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। डॉक्टर को चेक कराया? कोई इशू तो नहीं है? डॉक्टर को चेक नहीं करवाया, उन्होंने कहा इनकी ग्रोथ इस तरह की है कि इनका वेट बढ़ जाता है। अच्छा, आपकी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, आपकी फैमिली में ओबेसिटी है या आपका फैमिली बैकग्राउंड में मोटापा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरी बहन, मेरी उसकी पप्पो सब लोग पतले हैं, मैं खुद भी बहुत स्लिम थी पहले। ठीक है,
ठीक है, मतलब आप चाह रही हैं आपकी बेटी, अच्छा उसकी एज और उसका वेट हमें बता सकती हैं आप? वेट तो मुझे उर्मिला नहीं पता, लेकिन उसकी एज 12 साल है। मुझे इनसे ये पूछना है कि ये वो एक्सरसाइज करे उसके लिए बेहतर है वो एक्सरसाइज करे, क्योंकि उसकी एज अभी 12 साल है। हाँ ठीक है, वो हम आपको पूछ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना। अच्छा सलाफे, जैसे सना कह रही है एक्सरसाइज तो डेफिनेटली वो कर सकती है, 12 साल की उनकी बच्ची है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, योगा ही हमने उससे कराना है। अब किस तरह की एक्सरसाइज होगी और इनका बेली फैट है उस पर? बेली फैट, बेली फैट के लिए वाकई में आसान एक्सरसाइज, मुझे एक्सप्लेन करने करनी है। हाँ सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि शुरू में अगर आप अपने ज्यादा अपनी लेग्स को ऊपर नहीं लेकर जा सकते तो इतना सिर्फ आपने उठाया या कोई कुशन रख लें, आपको पता हो कि आपने बस यहाँ आपने अपने हाथ रखे। अब शुरू शुरू में आपको 30 सेकेंड मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसको असल में 2 मिनट्स तक करना है। अब इस पोजिशन में आप रहे, उसके बाद अपनी लेग रेज कर लें, ये इंटेंस हो जाएगा। ये आपने करना शुरू किया 30 सेकंड से शुरू किया, टाइमर लगा लें, वो आसान होता है, बंदे को पता होता है ज़्यादा मैं अचीव कर रहा हूँ उससे ज़्यादा। अब जहाँ बच्चों के लिए और इनके लिए भी सेम वही चीज़ आ जाएगी कि वेट भी रिड्यूस हो, और सन सल्यूट इसीलिए मैं बताना चाह रही कि वो इंपॉर्टेंट है, जितने भी आज तक हम प्रोग्राम्स कर चुके सन सल्यूट शायद फर्स्ट टाइम होगा। अच्छा सन सल्यूट सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि सबसे ज़्यादा एक तो बेनिफिशियल है, आपने शुरू किया इस पोस्चर को सब आप बस याद रखेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, पीछे गए। अब जिनको माइग्रेन है वो ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, गर्दन सीधी रख सकते हैं, जिनकी स्ट्रेच इतनी नहीं है दैट्स जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उतना ज्यादा फोर्स किसी चीज पर नहीं करना। अब थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि आप नीचे झुके और उसके बाद अपनी लेफ्ट लेग आगे रखेंगे, राइट को पीछे लेकर जाएंगे, ऊपर देखा, अब आप ब्रिज पोज में आए। अब इसमें सारे पोज जो है वो रिपीट होंगे, नीज और चेस्ट और आपकी जो फेस होगा वो जमीन पे लगेगा, उसके बाद आप कोबरा में जाएंगे, फिर अपनी टोज को इन्वर्ट करने के बाद आपने ये पोज किया, ठीक है, राइट लेग आगे की, ठीक है, फिर से आप अपने पुराने जो हमने शुरू में थर्ड स्टेप किया था उस पर आने के बाद आपने सही से खुद को स्ट्रेच करने के बाद सैल्यूट में आकर इसको खत्म कर दिया। ये कितनी दफा करना है? ये आप दिन में 5 से 6 दफा शुरू करेंगे, लेकिन असल में आइडियली आपको 10 से 12 दफा करना चाहिए। माजुल हसन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। हम ओबेसिटी को डिस्कस कर रहे थे और आप हमें इतनी जबरदस्त टेक्निक्स बता देते हैं कि जब कुछ सब कुछ बेबस हो जाए तो डॉक्टर मौज से रब्ता करने। आप तो डॉक्टर मौज, आज ओबेसिटी और इससे रिलेटेड बीमारियों का क्या इलाज लेकर आए आप? सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि मेरे पास लोग तभी आते हैं जब वो सब चीज़ें बेबस हो जाती है ना, तो उसमें फिर हम चाहते हैं कि लोगों को ऑब्वियसली दे शुड बी डिजीज फ्री, कि उन्होंने डायबिटीज उनको ना हो, और जो अगर होगी है तो वो ख़त्म हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। तो आजकल बैरियाट्रिक सर्जरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही है, और पाकिस्तान में भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगी। एवरी मंथ मैं तकरीबन 30 to 40 केसेज में करता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट्स इसके इतने अच्छे हैं जो लोग करवा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने लास्ट टाइम मे बी अ मंथ बैक न्यूज़ भी देखी होगी, एक ऑस्ट्रेलियन था वो पाकिस्तान आया, तो ही वाज 140 kg। नॉर्मली गोरा कहाँ आता है पाकिस्तान? कोई भी नहीं आता, हम तो बाहर जा रहे होते हैं इलाज कराने। वो यहाँ आके वी स्टेड फॉर 5 days और वो करवा के वापस चला गया। इट मीन्स के हमारी उसको यहाँ उसको बड़ा उसका आया भी है टीवी इंटरव्यू वगैरह भी, तो वो बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है कि जी बाहर से लोग आने शुरू हो गए हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ बैरियाट्रिक सर्जरी का स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है। ये बड़ी सेफ है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये की होल है, आप स्मॉल होल 4-5 holes के थ्रू अंदर जाते हो और स्टमक का साइज 75-80% कम कर देते हो। सबसे इम्पोर्टेंट एक हार्मोन है, बड़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिलिन है। ग्रिलिन से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होएगी तो 3 चीज़ें होंगी, नंबर 1 ओबेसिटी, नंबर 2 फैट डिपोजिशन, नंबर 3 डायबिटीज़। तो ऐसे लोग जिनके अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिनका वो जो शुगर का कंट्रोल होता है 3 months का, HbA1c मोर देन 7-8 है, वो 10 हो जाता है, वो भी विद इन 3 months नॉर्मल हो जाता है। और दुनिया में शुगर ख़त्म करने का एक ही तरीका है, बैरियाट्रिक सर्जरी। तो आजकल आपको पता है कि हर 5वां 6ठा बंदा डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक है, और बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। तो लोगों को मतलब शो के थ्रू यही मैसेज है कि मतलब वहाँ ये वो ना करें कोई, इसमें इट्स वेरी सेफ सर्जरी इन सेफ हैंड्स, जिनको करनी आती है। सर हम हमेशा पूछते हैं कि आपको जो BMI है उसके अकॉर्डिंगली, और सेकंडली कितना वेट होता है जिस पे आप जाकर रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी की तरफ आए? नॉर्मली हम BMI को देखते हैं, हम वेट को नहीं देखते, क्योंकि मैंने सर्जरी की हुई है जिनका वेट 70 भी था, जिनका 75 भी था, तो उसमें आप डेफिनेटली
तो आप देखते हो अगर BMI किसी का 30+ है, अगर उसकी को मॉबिलिटीज हैं लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसकी इनफर्टिलिटी है, और वो लोग सर्जरी पे जा सकते हैं. तो जिनका 35+ है उनको कुछ भी नहीं है, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, और वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, डाइट एक्सरसाइज, स्टिल दे आर नॉट लूजिंग, दे कैन गो फॉर सर्जरी. तो ये बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके लिए. अब आपको पता है कि अभी लास्ट हम करेंगे प्रोग्राम इनफर्टिलिटी पे. अच्छा. इनफर्टिलिटी पे मेरे एक पेशेंट हैं, 18 साल से उनका कोई बेबी नहीं था. तो आफ्टर 18 ईयर्स उनका वेट था 115, उन्होंने कंसीव किया तो 71 पे शी गॉट प्रेगनेंट. अब 18 साल में उनका बेबी हुआ है. तो लास्ट ये कोई ईयर में ऑलमोस्ट कोई 15 ऐसे पेशेंट हैं जिनके 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स जिनके बेबी नहीं है. इतना हेल्प करती है ये बेरियाट्रिक सर्जरी कि अगर आप मतलब अगर आपकी फैमिली से हो जाए तो व्हाट एल्स यू कैन डू ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो, जब भी देखें सर्च करें कि जी आप जहाँ जा रहे हो और फिर यू शुड गो. इट्स नॉट लाइक जी आप उठ के चले गए हो खाली. दो एक्सपेंसिव है लेकिन हम फिर भी ऐसे लोग जो ज़कात वगैरह जिनको लगती है, जो नॉन अफोर्डिंग है, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ 15 से 20 ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हम हर साल फ्री इलाज करते हैं. तो ये तो शालमार में है. और दूसरा अब तो आप ये इतना वेरी सिंपल है, आप डॉक्टर माज ही वैसे लिखो तो हर चीज़ खुल जाएगा, जस्ट उसमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी. तो ये बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप अपना काम नेकी से करो तो बाकी चीज़ें ठीक होती रहती हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने डायबिटीज़ की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ओबेसिटी की वजह से होती हैं, वो भी ट्रीट हो जाती है? डेफिनेटली. ब्लड प्रेशर जो है आपका, आपका ब्लड प्रेशर तकरीबन 3 माह बाद आपकी दवाई छूट जाती है. क्योंकि है यही कि अगर आप जितना जो आपका 10 mm ऑफ मर्करी एवरी 5 kg पे नीचे आता है, तो अगर जिसका ब्लड प्रेशर अगर 20-30 ज़्यादा है उसका सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, अगर आपका 10-15-20 kg होगा तो वही आपका 10 वाला नीचे है, तो 30-40 तो नीचे आ गया. तो उसकी दवाई अल्टीमेटली जब वो 30-40-50 kg लूज़ करेगा तो उसकी जान छूट जाएगी. तो और बैक एक जो है, मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं बैग, मैं कहता हूँ जी आप साइकिल के ऊपर जीप बिठा दोगे तो क्या होगा, साइकिल तो बेचारी फिस जाएगी. अल्लाह ताला ने जो आपकी हड्डियाँ बनाई हैं खास हद तक तो काम कर सकती हैं, उसके बाद फिर और सारे मसाइल भी शुरू हो जाते हैं. वो वेट भी नहीं कर सकते. तो लाइफ स्टाइल अपना बेहतर करो, और अगर इफ़ यू आर अनेबल टू लूज योर वेट विद एक्सरसाइज डाइट और डॉक्टर मौज़ इज़ अवेलेबल. आप देखते रहिए जागो लाहौर.